शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में बात की थी मेष लग्न की कुंडली की। फिर मैंने एक दो दिन आपको कोशिश करके प्रैक्टिस करवाई ताकि मेष लग्न की कुंडली को आप खुद स्वयं एनालाइज कर पाएँ, ताकि आप बहुत सारे वहमों से निकल पाएँ। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ बात करेंगे वृष लग्न की कुंडली यानी टॉरस लग्न की कुंडली की। टॉरस लग्न की कुंडली में आज सबसे पहले हम योग कारक ग्रहों की बात करेंगे, कल मारक ग्रहों की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वृष लग्न की कुंडली ये इसलिए बनी क्योंकि पहले ही भाव में दो नंबर लिखा है। ये मैं ज़्यादा विस्तृत जानकारी प्रिय दर्शकों आपको इसलिए भी दे रहा हूँ कि जो लोग नए सीखने लगे हैं, जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ, वो बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि प्रोग्राम को इतना प्यार देते हैं, इतना कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि जब लोग आके हमें फीडबैक देते हैं, सर हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, कम से कम आपके प्रोग्राम देखने के बाद हमें कोई वहम नहीं डलता, हम दो बातें सीख कर ही उठते हैं, तो मुझे खुद बड़ी खुशी होती है। तो मेरी कोशिश भी यही रहती है कि आपको किसी वहम में ना डाला जाए। अगर आप 15 मिनट इस प्रोग्राम को दें तो कम से कम आप कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर लेके उठें जो आपको कुंडली एनालाइजेशन में हेल्प अवश्य करे। तो ये कुंडली प्रिय दर्शकों वृष लग्न की यानी टॉरस लग्न की बनी क्योंकि पहले ही भाव में यहां दो नंबर लिखा है। इसके मालिक बने शुक्र देवता यानी दानव गुरु। इस लग्न कुंडली में दानव गुरु ने अपने मित्रों को बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स बांटे, जिनको उन्होंने फिर कारक ग्रह बनाया या सम ग्रह बनाया। आज हम सिर्फ कारक ग्रहों की बात करेंगे। शुक्र देवता लग्न के मालिक बने वृष लग्न की कुंडली में, और शुक्र देवता छठे भाव के मालिक बने यानी रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन, लंबी बीमारियां, इन सब के मालिक भी शुक्र देवता बने। लेकिन त्रिकोण के मालिक को दूसरी राशि कहीं भी पड़ी हो उसका दोष नहीं लगता। ये लघु पराशरी में बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं, लिखा भी गया। तो इस लग्न कुंडली में सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह बने शुक्र देवता। और योग कारक की डेफिनेशन प्रिय दर्शकों समझ लीजिए, जहाँ बैठना, जहाँ देखना, जहाँ जाना, उस घर की वृद्धि कर देना। क्यों? क्योंकि अपने पास उनके पास एक सुप्रीम पावर होती है, जस्ट लाइक अ प्रधानमंत्री। जैसे प्रधानमंत्री जी के पास कुछ सुप्रीम पावर्स होती हैं, वो जहाँ बैठते हैं उस घर की वृद्धि कर देते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ सेंक्शन करके आते हैं, लोन ग्रांट सेंक्शन करके आते हैं। उसी तरह से इस लग्न कुंडली में शुक्रदेव, शुक्राचार्य को, दानव गुरु को, जो लग्न कुंडली में लग्नेश माने जाते हैं, उनको सुप्रीम पावर मिली है। वो जहाँ इस कुंडली में बैठेंगे, जहाँ देखेंगे, जहाँ जाएंगे, उस घर की वृद्धि अवश्य कर देगी। तो इस लग्न कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह बने शुक्र देवता, जो लग्न के मालिक बने और छठे भाव के मालिक बने। प्रिय दर्शकों, आप इसे लिखना चाहें तो लिख लीजिए ताकि आपको बाद में याद करने में बहुत आसानी रहे और आपकी कुंडली एनालाइजेशन में ये प्रोग्राम एक स्तंभ की तरह साबित हो। तो शुक्र देवता लग्न के मालिक बने और छठे भाव के मालिक बने, और इस लग्न कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह बने। शुक्र देवता ने बुध देव को क्या दिया? शुक्र देवता ने बुध देव को धन, कुटुंब, वाणी का डिपार्टमेंट दिया। शुक्र देवता ने बुध देव को संतान का डिपार्टमेंट दिया, पेट का डिपार्टमेंट दिया, अनसर्टेन गेंद का डिपार्टमेंट दिया, लव रोमांस का डिपार्टमेंट दिया। ये पंचम भाव का मालिक और दूसरे भाव का मालिक शुक्राचार्य ने बुध देव को बनाया। तो बुध देव इस लग्न कुंडली में दूसरे भाव के मालिक बने यानी इस भाव के मालिक बने, और बुध देवता पंचम भाव के मालिक बने। तो इस लग्न कुंडली में शुक्राचार्य के बाद बुध देव भी अति योग कारक ग्रह बने, जो दूसरे और पंचम भाव के मालिक बने। और लग्नेश शुक्र के अति मित्र होने के वजह से इस लग्न कुंडली में दूसरे योग कारक ग्रह बुध देवता को गिना जाएगा। दर्शकों, शुक्राचार्य ने अपनी मित्रता शनिदेव से निभाते हुए शनिदेव को भाग्य का मालिक बनाया, यानी शनिदेव की साधारण राशि कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में दी और शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि केंद्र में दे दी।
तो शुक्राचार्य ने शनि देव को नवम घर का मालिक बनाया, यानी त्रिकोण का मालिक बनाया, और दशम घर का मालिक बनाया शुक्राचार्य ने शनि देव को। तो इस लग्न कुंडली में शुक्र के बाद बुध योग कारक बने थे, बुध देवता के बाद शनि देव भी अति योग कारक बने। इसका मतलब हुआ शनि देव, बुध और शुक्र इस लग्न कुंडली के योग कारकों में गिने जाते हैं, क्योंकि शनि देव के पास भी दोनों डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छे हो गए और एक राशि कुंडली के मूल त्रिकोण में आ गई। तो इस लग्न कुंडली में प्रिय दर्शकों नोट कर लीजिए, शुक्र सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह बने, बुध देवता जो कि दूसरे घर के धन कुटुंब वाणी के और पंचम भाव संतान सुख के मालिक बने, तो बुध देव भी इस लग्न कुंडली में योग कारक ग्रह बने। शनि देव जो कि नवम और दशम भाव के मालिक बने, वो भी इस लग्न कुंडली में योग कारक ग्रहों की पदवी में आए। लेकिन प्रिय दर्शकों एक बात सदैव याद रखिएगा, योग कारक ग्रह मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि योग कारक ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। योग कारक ग्रह भी आपका सत्यानाश करने के लिए अकेला काफ़ी है। अगर वो इल प्लेस्ड हो जाए, यानी अगर वो नीच का हो जाए, तो भी गड़बड़ करेगा अपनी दशा अंतरदशा में, क्योंकि नीचता की वजह से वो अपनी योग कारकता खो बैठता है और वो अशुभ गिना जाता है। अस्त हो गया तो भी वो रिजल्ट देने के काबिल नहीं बचेगा, 0 डिग्री आ जाए तो भी वो रिजल्ट नहीं देगा, 29 डिग्री चला जाए तो भी वो रिजल्ट नहीं देगा, कहीं भी 6, 8, 12 में पड़ा होगा तो भी वो रिजल्ट देने के काबिल पूर्णता कभी होगा ही नहीं। ये बात सदैव आपको ध्यान रखनी है। योग कारक ग्रह सिर्फ तब अच्छा फल देता है जब वो अच्छी जगह प्लेसमेंट में हो। बहुत सारे पोंगा पंडित योग कारक अगर इल प्लेस हो जाए तो उसको कमज़ोर मान लेते हैं, कमज़ोर नहीं होता, वो अशुभ होता है। मान लीजिए इस लग्न कुंडली में शुक्राचार्य अगर 8वें भाव में चले गए तो वो अशुभ माने जाएंगे, शुक्र देवता की दशा अंतरदशा जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट तक देगी। ये बात अगर आपकी दर्शकों समझ में आ गई कि हर ग्रह अपनी प्लेसमेंट से अच्छा या बुरा होता है, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि वो ग्रह कुंडली में किस घर में विराजमान है। जिस घर में वो विराजमान होगा वो वैसे ही रिजल्ट देने वाला होगा, अच्छे या बुरे उसी भाव के रिजल्ट सबसे पहले देगा जिस भाव में वो स्थित होगा या जिस भाव में विराजमान होगा, जिस भाव में वो प्लेस्ड होगा। योग कारक ग्रह तभी पहना जा सकता है जब वो उतनी अवस्था में हो कि उसको एक्टिवेट करके पॉजिटिव रिजल्ट निकाले जा सके। योग कारक ग्रह 6, 8, 12 में हो तो नहीं पहना जा सकता। योग कारक ग्रह नीच अवस्था में आ जाए तो नहीं पहना जा सकता। योग कारक ग्रह ऐसी स्थिति में अवश्य होना चाहिए कि उसकी रश्मियों को बढ़ोतरी करके जिस जगह पड़ा है, जिस जगह दृष्टि जा रही है, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें सदैव मिलें और हमारा जीवन यापन आसान हो। योग कारक ग्रह अगर सदैव योग कारक रहता तो आपको कुंडली किसी के पास ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि योग कारक ग्रह की दशा नहीं आएगी, अंतरा आएगा, अंतरा नहीं आएगा तो पत्यंतरा आएगा, पत्यंतरा नहीं आएगा तो सूक्ष्म आएगा, सूक्ष्म नहीं आएगी तो प्राण दशा में हर 10वें 5वें दिन वो आएगा ही आएगा। लेकिन ये चीज़ नियम विरुद्ध तभी होती है जब योग कारक को एक प्रॉपर क्राइटेरिया में रख लिया जाता है कि योग कारक सदैव अच्छा ही फल देगा। यहाँ हम समझने में सबसे बड़ी भूल करते हैं, योग कारक ग्रह भी आपका पट्ठा बिठा सकता है और आपकी कुंडली का मारक ग्रह भी अगर कहीं विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाए, अगर कहीं ऐसी स्थिति में आ जाए तो वो भी अच्छा फल दे करके आपका जीवन यापन आसान अवश्य कर सकता है। इन सब चीज़ों को प्रिय दर्शकों आपको समझना होगा, क्योंकि ये कोटा लगाने से कि ये इस कुंडली का योग कारक ग्रह है और ये इस कुंडली का मारक ग्रह है, तो ये इस पूरे नियमावली का आधा अधूरा सत्य है। ये इस विद्या के नियम को पूर्णतः ना जिसको समझ में आती हो वो इस तरह के की दिमाग में डेफिनेशन बिठा लेता है, लेकिन ये सत्य नहीं है।
जैसा मैंने पहले भी कहा कि योग कारक ग्रह भी आपका पट्ठा बिठा सकता है, मारक ग्रह भी अगर कहीं विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाए, कहीं ऐसी अवस्था में आ जाए या शुभ कात्र योग में आ जाए, जो मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको जानकारी दूंगा, वो भी आपकी बेड़ा पार करने के लिए अकेला काफ़ी है। तो कुंडली का विवेचन करते समय सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कुंडली के कितने योग कारक ग्रह हैं और वो प्लेस्ड कहाँ हैं। अगर वो सही जगह प्लेस्ड होंगे तभी वो सही रिजल्ट देने के काबिल बनेंगे, अन्यथा वो नहीं होंगे। आप प्रिय दर्शकों सभी जानते हैं राहु केतु को अनायास ही बदनाम किया जाता है, राहु केतु के नाम पे लोगों को ठगा जाता है, राहु केतु के नाम पे लोगों को लूटा जाता है, राहु केतु के नाम पे लोगों को पैसे ऐंठने के लिए मजबूर किया जाता है, लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं क्योंकि उन्हें वहम और डरा ही इतना दिया जाता है कि लोग खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं कि चाहे बालियां कान की बेच करके। बहुत सारी लेडीज़ मेरे पास ऐसी आई जिनकी मुझे कंप्लेंट सुनने को मिली, हमने तो जी बालियां बेच करके राहु की शांति करवाई है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई उनकी बातें सुन करके, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि हमें वहम ही इतने डाल दिए गए कि हम तो वहाँ उठने के काबिल ही नहीं रहे इन शांति करवाए के बिना, लेकिन हमने कान को हाथ लगा लिया। ऐसे पंडित विद्वान के पास कभी नहीं जाएंगे जो काल सर्प के नाम पे सिर्फ पैसे लूटते हों, पितृ दोषों के नाम पे सिर्फ पैसे ऐंठने का बहाना बनाते हों। सही कुंडली की एनालाइजेशन आपको अगर खुद करनी आ गई तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। काल सर्प का वहम होता ही नहीं है, आप सभी जानते हैं। पितृ दोषों का वहम होता ही नहीं है, आप सब जानते हैं। ये वहम से बहुत सारे सैकड़ों लोग, हजारों लोग निकल चुके हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे ही निकालता चला जाऊं। आप कुंडली के सही कारक मारक की एनालाइजेशन प्रॉपर ढंग से खुद स्वयं करना सीखें, ताकि आपको खुद घर बैठे ही कुंडली एनालाइजेशन करनी आ जाए और आप अपना जीवन यापन आसान कर पाएं। तो इस वृष लगन की कुंडली में शुक्र देवता सबसे योग कारक ग्रह बने जो लगन और छठे के मालिक बने, बुध देवता योग कारक ग्रह बने जो दूसरे घर के धन कुटुंब वाणी और संतान के मालिक बने, शनिदेव इस लगन कुंडली में नवम भाव और दशम भाव के मालिक बने जो कि इस लगन कुंडली में सबसे योग कारक ग्रहों की स्थिति में आए। लेकिन अब वही डेफिनेशन प्रिय दर्शकों नोट कर लीजिए, एक सबसे बड़ी बात ग्रह की प्लेसमेंट पहले देखिएगा कि वो किस भाव में चला गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं पहले भी आपको पढ़ा करके पिछले साल भी आपको समझाता आया था, मैं अब फिर समझाना शुरू करूंगा कि ग्रह का डिग्री वाइज बलाबल अवश्य देखिएगा कि वो कितने प्रतिशत उस कुंडली में रिजल्ट देने के काबिल बना है। ये निर्धारण करना अगर आपको आ जाता है तो आपको कहीं धक्के खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको खुद समझ नहीं आता तो एक दो बार किसी विद्वान के पास जाकर उसकी सलाह ले सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, उससे अपनी स्लिप पे लिखवा लाइए कि मेरा कौन सा ग्रह कितने प्रतिशत रिजल्ट देने के काबिल है, मुझे जीवन में कितना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, अगर नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाला है तो कितना बुरा रिजल्ट मिलने वाला है। मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है कि राहु केतु दोनों 0 डिग्री में पड़े होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी शांति पे लोग हजारों रुपया खर्च कर देते हैं, जबकि रियलिटी जब पता लगती है कि ये दोनों तो 0 डिग्री के पड़े हैं, ये तो किसी भाव में आए ही नहीं है, तो रिजल्ट देने के काबिल ही नहीं है, तो फिर लोग बड़े हैरान होते हैं। तो आपको खुद स्वयं समझना होगा कि ग्रह का बलाबल कितना है और वो कितने रिजल्ट देने के काबिल है। तो प्रिय दर्शकों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। We'll be right back.